गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 16 मार्च और आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि आज लास्ट आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम थर्ड सेम का। तो आज हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी, एग्ज़ाम कैसा भी जाए। हाँ, हालांकि अच्छा जाना चाहिए इस बार, क्योंकि मेहनत तो की थी। तो चलो चलते हैं, मौसम थोड़ा अलग है। चाय आए पीने के हैं कॉलेज, ये शाम भी अभी जस्ट बस से उतरा हूँ। आयुष कॉलेज आ चुके हैं और आज है हमारा नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का पेपर। देखते हैं, हाँ लास्ट पेपर भी है, कैसा जाता है फिर आपको रिव्यू बताएंगे, फिर सबसे पूछेंगे किसका कैसा गया है। भाई उसका पता नहीं, शायद वो आ गया है, जाओ बट दिख नहीं रहा है। यहाँ के गाड़ी से स्कूल आ रहे हैं, इधर पैदल देखो कॉलेज, मतलब स्कूल नहीं कॉलेज। देखो तो सीधे उठ के जबरदस्ती लिफ्ट दे रहा है, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए ना, सामने कॉलेज है। तो हंसू आयुष आए थे बाइक से, बोल रहे चलो अब दो कदम पे कॉलेज है, अब क्या बाइक से जाना। गाइस ये वो पत्ते हैं जिन्हें मैं हर एग्जाम से पहले ले जाता हूँ, बढ़िया इनके ऊपर बढ़िया मंत्रोच्चारण करके इनको जेब में डाल लेता हूँ, मेरा पेपर बहुत बढ़िया जाता है। कर आ चुके हैं, मैं भी जस्ट यू आई टी आया हूँ। देखो ये लो अभिमंत्रित पत्ते, वो नहीं लिखा इसमें, मैंने रख के रखा था वो। ये दूसरा पत्ता है, आज पेपर में पास होना हो तो ये पत्ते जेब में डाल के रखना। इसको तू एक रखना, रख लिया मैंने, दो रखे हैं, 2x दिमाग सही है ना। सबको एक एक पत्ता बांटा है, खुद दो रखे हैं ताकि 2x दिमाग चले। एग्जाम हो चुका है, अभी जा रहा हूँ लाइब्रेरी बुक जमा करने। वहाँ पे आई हूँ, समझे आईटी, अब जा रहा हूँ मैं लाइब्रेरी बुक जमा करने। बुक्स जमा हो चुकी हैं, ये टिकट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट्स मिलती इस तरह से होती हैं, इनसे बुक्स मिलती। गाइस आज था हमारा लास्ट पेपर, इनसे पूछते हैं कैसा गया था, बताओ। भाई गुस्सा मत होया कर, देख ये है हमारा दोस्त, ये हालांकि हर टाइम गुस्सा में रहता है। देखो इतने प्यार से पूछा हूँ, पेपर कैसा गया। पेपर वैसे पेपर तो बहुत अच्छा आया था, क्या बोला तूने, लेकिन मेरी औकात से बाहर आया था। इससे पूरा पेपर बन गया, इसीलिए बोल रहा है। आप तुम बताओ तुम्हारा कैसा, आपका तो ठीक है। इससे पूछते सुधांशु से पेपर कैसा आया, ठीक है मतलब पास हो जाएंगे। हाँ। आज के पेपर में सारे मैंने यज्ञ किया था ना। आर्यन से पूछते हैं कि इसका पेपर कैसा गया। आर्यन बताओ बहुत ही अच्छा गया मेरा, तो वरिंग नंबर पेपर गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इससे पूछता हूँ, इससे आयुष तुम्हारा पेपर कैसा गया। अरे तेरी शेडिंग कहाँ है, अरे कहना क्या चाहते हो। अभी बैठा हूँ यहाँ पे, बुक्स जमा कर दी है, टिकट्स भी ले आया, क्योंकि आज लास्ट डे था तो उनको फिर फाइन लगता, तो आज सारी बुक्स भी जमा कर दी है। अब देखो पेपर तो ठीक ठाक गया। क्लास का सबसे अच्छा बंदा है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता भाई। ये है हार्ड करना भाई, हर्ष जस्ट मेरे पीछे रोल नंबर इतना लिखता है भाई, सप्लीमेंट्री की ऐसी की तैसी कर देता है, क्या बताएं। सच में बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत मासूम है, सबसे ज्यादा इनोसेंट क्लास का यही। क्लास के टॉपर इनको बुला के पूछते इनका पेपर कैसा गया। अच्छा लेना है जल्दी। अंकित तुम्हारा पेपर कैसा गया ये बताओ। भाई बहुत भाई भाई, ये हमारे क्लास का टॉपर, इससे पूछते हैं आज का पेपर कैसा गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे क्लास का प्रखर, हमारी क्लास का टॉपर, सबसे ज्यादा पढ़ता है, इसका पेपर सबसे बेस्ट गया होगा आज। और ये तो इसका अंकित, इसने तो 4 सप्लीमेंट्री लगाई है, इसने 6 और मैं एक नहीं लगा पाया। गाइस एक नहीं लगा पाया। अभी हो रहा है बस का इंतजार, यहाँ मैं बैठा हूँ। अब आ गए हम कॉलेज से, यहाँ पे बोर्ड ऑफिस पे यहाँ कर रहे हैं बस का इंतजार, मैं बैठा हूँ और बस आए तो उसके बाद जाऊँगा अशोका गार्डन। गाइस कॉलेज से आ गए हूँ अशोका गार्डन, अब फिलहाल करते हैं नाश्ता। हमारा नाश्ता ये 4 पार्क रिद्धि सिद्धि के लिए। जैसे ही पहुँचा अशोका गार्डन, पानी की होने लगी बारिश, सब जल्दी से जाते हैं रूम पे। गाइस एक पार्क के लिए है, रिद्धि और सिद्धि के लिए, यदि नहीं पता तो मैं छोटी छोटी दो गुड़ियाँ हैं मेरी बिल्डिंग में नीचे रहती हैं। दोनों आई हैं, देखो मुझे पढ़ने नहीं दे रही। गाइस देखो ये इन दोनों को स्कूल से अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है, किस लिए मिला ये बताओ। गाइस ये है सिद्धि और ये है रिद्धि, दोनों शैतान हैं। आज मैं ब्लॉग में पहली बार इनको डाल रहा हूँ, ये रोज बोलती हैं ब्लॉग में डाल दो। इसलिए मैं देखो तुम लोगों के लिए पार्क लाया था पहले, मैंने ब्लॉग में बोला भी है देखो। हाँ गदू, अब हाय कर दो, बोलो जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब करवा दो, पागल गधू। लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये किस चीज में मिला पहले ये बताओ। डिस्क थ्रो में मिला था इसको, कहीं में मिला था। ओ, और जो मैंने वो बनाए थे उसमें कुछ नहीं मिला। सोलह सिस्टम मिला था, और मैडम अभी
मतलब 50% हमारी पार्टनर से तुम लोगों के पास होंगे। आओ अब जाओ नीचे चलाओ, बाय बाय टाटा टाटा, ब्लॉग बन रहा है बस खत्म, एडिटिंग करनी है, बाय बाय बाय, क्या बोलते हैं उसको कोरियन में, बाय 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 को अच्छा होला बोलते हैं, हाँ ठीक है होला होला जाओ, गुड बाय कर लो इंग्लिश में कर लो। दोनों वाइन थी जे, इनको अवार्ड मिला था, मैंने जस्ट स्टेटस देखा तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा, तो दोनों फिर आ गए देखो परेशान करने नीचे। तो भाई जब मैं शाम को आया था चाय पीने नीरज के साथ, ये फिर से चुप रहा है क्योंकि पता नहीं इसको क्यों डर लगता है ब्लॉगिंग में आने से। तो उसके रिद्धि सिद्धि के आने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया था, उसके बाद अभी उठा फिर अभी आया, जस्ट चाय आए पी, अब नीरज के साथ घूम रहा हूँ। अरे चला गया थोड़ा काम पर, नीरज के साथ बाजार गया था, मतलब हम लोग घूम रहे थे बाहर पे घूम घाम के, जस्ट आए रूम पे, रूम गंदा पड़ा था क्योंकि अजय ने साफ़ सफाई नहीं की, तो आज मैंने पूरी साफ़ सफाई की है। और फिर उसके बाद खाना पीना खाया, थोड़ा सा काम था वो ऑनलाइन काम कंप्लीट किया ऑनलाइन का, उसके बाद अब जस्ट टाइम मिला है तब तक फ़ोन चार्ज हो गया मेरा, खाना पीना सबसे फ्री हो गया, रूम वूम क्लीन हो गया है, तो अब करूँगा मैं एडिटिंग क्योंकि दो ब्लॉग एडिटिंग में पड़े हुए हैं, इसके पहले वाला ब्लॉग और आज एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं तो आज का ब्लॉग भी। अभी हेयरमेट लगा रखा है मैंने, बाल थोड़े से बड़े हो गए थे तो पीछे करना है इसलिए लगाए, तो चलो एडिटिंग करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस ब्लॉग अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ब्लॉग में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।